आज ये सभी फ्रेंड और फिर से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या है पिंडी का क्वेश्चन है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि 2000 अभी फेब के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आई होप आप सभी का ये क्वेश्चन ठीक रहा होगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैराबोला, इनमें से कौन सा जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करता। सेकेंड ऑर्डर की हमें पिंडी गिवन है। अच्छा मैं जानता हूँ बच्चों कि आर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस एस कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस टी कर्ली स्क्वायर यू कर्ली वाई स्क्वायर अभी मैं लिख नहीं रहा। ये मुझे कोई सेकंड ऑर्डर की कोई पिंडी गिवन है। मैं जानता हूं कि जब एस का स्क्वायर माइनस फोर आर टी जीरो होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, और जब एस का स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो होगा तब हाइपरबोला, और जब एस का स्क्वायर माइनस फोर आर टी लेस देन जीरो होगा तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराबोला, इनमें से कौन सा पैराबोला नहीं है, यानी कि एस का स्क्वायर माइनस फोर आर टी का आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। ध्यान से देखना आर क्या है कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम आर कहते हैं, एस क्या है कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई कभी एक्स कभी वाई के कोफिशिएंट को एस, और टी क्या है कभी स्क्वायर यू बाय कभी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम टी कहते हैं। याद रखना चाहिए यहां एस क्या है आर क्या है टी क्या है। ओके एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी निकालना है हमें। आइए चारों के चारों ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में एस का स्क्वायर एस कौन है जीरो क्योंकि ये रहा सॉरी ये रहा एस का इसका एस का स्क्वायर यानी कि फोर सॉरी एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कोएफिशिएंट नहीं है जीरो हो जाएगा वो, यानी कि हमारे पास एक्स की पावर फोर आ गया ये। ठीक है सेकंड में इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें एस का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों फोर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस फोर आर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर या आगे बच्चों जीरो। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हाँ ये क्या आएगा फोर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस फोर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ये भी क्या हो गया जीरो। चौथे ऑप्शन पे आओ यहां से जब करेंगे तो फोर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वो माइनस फोर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर ये भी जीरो आ गया। यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है इक्वेशन ये किसको रिप्रेजेंट करती है पैराबोला। क्या बच्चों सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। और क्लियरली एक्स नॉन जीरो पे तो वर्क करते ही ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा यानी ये हमारा क्या नहीं आया जीरो नहीं आया। ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा ये हमारा रिप्रेजेंट कर जाएगा हाइपरबोला को। हमें बताना नॉट पैराबोला कौन सा पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम क्या कहेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करते जो फर्स्ट है ये हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करता एक्स जब नॉन जीरो है। ठीक है यानी कि क्या कहेंगे हम हमारा जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके आई होप आप ऑप्शन यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैं बच्चों एक्स की वैल्यू अगर यहाँ जीरो होगी फिर तो क्वेश्चन ही क्या कर रहे हैं हम एक्स ही अगर हम जीरो जीरो के ऊपर अगर काम चलेगा तो फिर तो ये पैराबोला हो जाएगा जीरो तो वर्क ही नहीं कर रहे। ठीक है यानी कि हम क्या कहेंगे एक्स इज नॉन जीरो देन इट इज रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। ओके यानी कि इसका क्या कहेंगे अच्छा दूसरी बात सेकेंड ऑर्डर की कैसे कहेंगे जीरो हो गया तो ठीक है तो क्या कहेंगे हम इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी का ठीक पाया होगा और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका ये ठीक है या गलत है। ओके और जो भी क्वेश्चन आपको क्वेरी है जो नहीं आपको ये आपको याद है और आप मेरे से पूछना चाहते हो मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो प्लीज आप कमेंट के अंदर जो है आपका क्वेश्चन जो है वो मुझे आप सेंड कर सकते हो और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।